परचेज़ किए एक फिलिप्स का 5.1 होम थिएटर, क्योंकि मेरा पिछला वाला जो पुराना वाला होम थिएटर था वो था 2008 साल में खरीदा गया, क्रिएटिव का 72 वाट RMS का 5.1 जो कि ये है। ये महाशय अभी थोड़ा गड़बड़ी मचा रहे हैं क्योंकि 13 साल हो भी गया है, बीत चुका है, नया 700 रुपये उसको वसूल भी हो चुका है, तो ये हमने ख़रीदने का डिसाइड किया। इंटरनेट में काफ़ी सर्च करने के बाद और कंपैरिजन के बाद हमने देखा कि यही मेरे बजट के अंदर सबसे फिजिबल 5.1 स्पीकर है, क्योंकि ये है 5.1 पहला बात। दूसरा बात, ये 120 वाट RMS का है जो कि पहले से भी ज़्यादा है। तीसरा बात ये है कि इसका जो ऊफर है वो 8 इंच ऊफर है, जो कि US वाला मतलब क्रिएटिव वाला जो ऊफर था वो 6 इंच का था, ठीक है। अच्छा, चौथा ये है कि इसमें ब्लूटूथ एनेबल्ड भी है, मतलब ये आपको आप ये ब्लूटूथ के ज़रिए आपका अपना मोबाइल फ़ोन लैपटॉप या कहीं से भी इसमें आप ऑडियो का मतलब म्यूज़िक जो है प्ले कर सकते हो, बजा सकते हैं। ऊपर से इसमें इनबिल्ट FM रेडियो है, USB स्लॉट भी है, SD कार्ड का घुसाने का भी जगह है, और जो है ये ऑडियो इनपुट भी है, मतलब जो जो आपको चाहिए होगा सभी के सब इसमें है। तो आइए हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि ये हमारे लायक है भी नहीं है भी या नहीं। तो और यहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले भी होता है। ओ दोस्तों, और एक बात बताना भूल गया, इसका और भी एक खासियत है, इसके साथ रिमोट कंट्रोल भी है, वायरलेस रिमोट कंट्रोल, और इसका रिव्यू भी काफ़ी अच्छा है। तो पहले इसको हम अनबॉक्स करेंगे, करने से पहले हम देखना चाहेंगे इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, ये जो जो मैंने कहा वो सब फीचर इसमें है, ठीक है। ये फिलिप्स का सील किया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं। इस बजट में मैंने देखा कि अगर आप ब्रांडेड में जाओगे, मीडियोकॉन जो मिडिल क्लास का ब्रांड होता है, तो उसमें बजट में ये आता है, और सोनी का 4.1 आता है, लेकिन सोनी का 4.1 सोनी का ब्रांड नेम छोड़ के सब हर एक कंपैरिजन में इससे पीछे है, ठीक है। ये जैसे कि वो 4.1 है, ये 5.1, उसका जो पीक RMS वाटेज जो है वो RMS वाटेज भी इससे कम है, ऊफर जो है वो भी छोटा है, ठीक है। तो वो लेने से ये लेना मैंने समझा कि अकलमंदी का काम हो। तो दोस्तों ये है मल्टीमीडिया स्पीकर, ये क्या क्या दिया गया है इसमें लिखा हुआ है, एक सबवूफर, 5 सैटेलाइट, एक रिमोट कंट्रोल, एक RCA केबल, एक FM एंटेना, एक यूज़र मैनुअल, ठीक है। ये आउटपुट दिया गया दे रहा है 90 वाट एंड 120 वाट RX। ये देखना होगा कि SPA ये कौन सा वाला है, 8004B, ठीक है दोस्तों। तो ये 120 वाट का ही होगा, ऊपर का जो ये है ऊपर के ऊपर या हिस्सा में लिखा होना चाहिए, और सीरियल नंबर वंबर सब कुछ दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं, इसको हम खोलेंगे। आपको जानकारी के लिए बता दें, ये सोनी भी आजकल मिडिल रेंज वाला जो सोनी है सभी चाइना में ही मैन्युफैक्चर होता है, फिलिप्स भी, देखना ये कितना दिन ये टिक पता है, ठीक है। चलिए इसको खोलते हैं, अनबॉक्स करते हैं। दोस्तों इसको हम अभी अनबॉक्स करने हो रहे हैं। दोस्तों ये खोलते ही मेरे सामने ऐसा एक चित्र दिखाई दिया, ये सिचुएशन है। ये है इसका एक प्लाकार्ड जो इसके अंदर दिया गया है, फिलिप्स, ठीक है, SPA 8000B। तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं, क्या क्या है यहाँ पे। इसका रिमोट कंट्रोल FM का एंटेना, ठीक है, ये 5 सैटेलाइट है, और RCA केबल भी शायद इसी में ही है, हम एक एक करके खोल के देखेंगे। हाँ तो हम एक एक करके खोल के देखते हैं। ये
तो ये यूज़र मैनुअल और ये है रिमोट कंट्रोल, जिसके अंदर बैटरी तो होना चाहिए। नहीं, बैटरी पैकेज में दिया गया दिया नहीं है, तो लिखा भी है। और ये है एफएम का एंटेना, जो एक एंड में खुली हुई वायर है, दूसरे एंड में आरसीए के जैसा ही है। और ये है आरसीए टू आरसीए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे दोस्तों, कि अगर आपको ये कंप्यूटर के साथ यूज़ करना है और 2.5.1 में जाना है, फीचर यूज़ करना है मतलब कंप्यूटर का साउंड कार्ड का, तब आपको क्या करना होगा, ऐसे तीन आपके डिपेंडिंग ऑन योर साउंड कार्ड, आपको ऐसे तीन स्टीरियो 3.5 mm टू आरसीए वाला जैक खरीदना होगा, क्योंकि आरसीए वाला जैक आपको ऊपर के पीछे लगाना होगा, कनेक्ट करना होगा। और स्टीरियो 3.5 mm जो है वो आपको पीसी का साउंड कार्ड का जो तीन पोर्ट है, फ्रंट स्पीकर, रियर स्पीकर और सेंटर सब ऊपर, उसमें कनेक्ट करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है पाँच सैटेलाइट, आपको बोलिए हम खोलेंगे दोस्तों। अभी इसके नीचे जो है ये ऊपर है, इसको हम निकालेंगे अभी। तो उसको ऊपर काफी बड़ा है और भारी है, सावधानी से खोलना चाहिए। तो दोस्तों ये ऊपर, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये ऊपर और ये ऊपर में है, सामने आपका आएगा। वो पहले पीछे देख लेते हैं, ये बैक साइड है ऊपर का। बैक साइड में कनेक्शन में क्या क्या है, इनपुट है ऑक्सिलियरी लेफ्ट राइट, अगर डीवीडी मतलब कंप्यूटर या डीवीडी चलाने हो तो है 5.1 का लेफ्ट राइट, और नीचे है आउटपुट 5 स्पीकर का, ऑन ऑफ स्विच है, बस नीचे इतना ही है। और ये ऊपर वाला है एफएम का एंटेना। दोस्तों इस साइड में इसका वेंट भी है, बस वेंट जिसको कहते हैं, और इस साइड में भी एक वेंट है। ये एक्चुअली स्पीकर का 8 इंच स्पीकर है, उसका वेंट है। तो आगे बढ़ते हैं, ये सामने वाला हिस्सा है इसका, जो प्लास्टिक से प्लास्टिक लगाया हुआ है। यहाँ पे आप बटन भी देख सकते हैं, अगर नज़दीक इसको हम लाएंगे आपके लिए, यहाँ पे बटन है, वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस, नेक्स्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट, प्ले पॉज और इनपुट सिलेक्ट। और मिडिल वाला जो है ये एक एलईडी स्क्रीन है। तो दोस्तों अभी इसको हम कनेक्शन करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे, उसके बाद आपको आगे का रिव्यू देंगे। दोस्तों अभी आते हैं इसका रिमोट के पोर्शन पे। पहला बात जो आपको दिखाना चाहेंगे कि ये इसका जो मोड है, ये मोड सिलेक्ट करने से, ये इनपुट जो है सिलेक्ट करने से आपका एफएम एक ऑप्शन है। तो कई बंदे ने नेट पे सर्च किया है, क्वेश्चन भी किया है कि इसको ऑटो ट्यूनिंग फर्स्ट टाइम कैसे करें। तो आपके जानकारी के लिए बता दें, पहला बात है कि इसमें 40 एफएम चैनल्स आप प्रीसेट रख सकते हो सेव करके, वो मैनुअली ट्यून करने के लिए ट्यूनिंग प्लस माइनस है।
और अगर फर्स्ट टाइम आप ऑटो ट्यून करना चाहते हो तो इनपुट में जाके एफएम फ्रीक्वेंसी तक जाइए, मतलब इनपुट में आपको बहुत सारी चीज़ मिलेगा, ब्लूटूथ मिलेगा, डीवीडी मिलेगा, ऑक्सिलियरी मिलेगा। तो वहाँ पे एफएम जब भी आप आओगे, एफएम में पहुँचोगे तो एफएम का 87.9 या ऐसा कुछ फ्रीक्वेंसी आपको दिखाई देगा। तो उसके बाद आपको ये जो मेमोरी बटन है, मेमोरी वाला बटन सिर्फ एक बार दबाना है। एक बार दबा के आप जब छोड़ेंगे वो अपने आप एक एक चैनल पे रुकता जाएगा, सेव करता जाएगा, अगले चैनल पे जाएगा, सेव करता जाएगा, ऐसा करके पूरा थ्रू आउट जो एफएम फ्रीक्वेंसी रेंज है वो स्कैन करके अपने आप सेव कर देगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, जैसा मैंने बोला था, अभी हम इसको टेस्ट करेंगे। अभी कंप्लीट सेटअप कर लिए, ये है ऑफ, मतलब की वो की पहले हम देख लेते हैं कौन सा की में क्या फंक्शन है। ये पावर ऑन ऑफ, ये है म्यूट। ठीक है, इसमें ट्रिपल ए बैटरी लगते हैं दो, जो आपके साथ मतलब इसके साथ नहीं आता, आपको अलग से खरीदने होगा। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ये ट्रैक चेंज करने के लिए है। अगर आप मेमोरी कार्ड या यूएसबी ड्राइव से कोई गाना वाना बजा रहे हो तो इससे इसके ज़रिए आप ट्रैक चेंज कर सकते हैं। ये है इनपुट, ये सोर्स चूज़ करने के लिए है। इसमें कई सारे सोर्स है, हम ऑन करके दिखाएंगे। तो सोर्स क्या क्या है दोस्तों, ये पहले पावर ऑन किए हम लोग, ये दिखा रहा है कि डीवी मतलब डीवीडी जो कंप्यूटर के ज़रिए हम चला रहे हैं। 5.1 अगर आपके पास साउंड कार्ड है तो पीछे आपको फ्रंट लेफ्ट, फ्रंट राइट, साउंड लेफ्ट, साउंड राइट और सेंटर, ये तीनों का एक पांच मतलब तीन स्टीरियो 3.5 mm टू RCA है। ठीक है, ये जैक, ये केबल आपको लगाने होगा जो इसके साथ नहीं आता, तो उसके लगाने से आपको ऑप्टिमम जो है, ऑप्टिमम सिग्नल जो है साउंड का, तो वो सिग्नल मिलेगा, तो बेस्ट क्वालिटी साउंड आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो अभी ये डीवीडी में है, इसका वॉल्यूम दिखा रहा है 10। वॉल्यूम आप इसके ज़रिए घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, देखेंगे। ये वॉल्यूम अप, ये डाउन, ये प्रीवियस, ये नेक्स्ट, ये प्ले पॉज, जैसा होता है। अच्छा, अभी हम इसको वॉल्यूम को थोड़ा चेंज करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये थोड़ा फोकस से बाहर चला गया। हाँ, तो अभी इसको वॉल्यूम हम बढ़ा रहे हैं, 11, 12, 13। आपके जानकारी के लिए बता दें इसमें 30 तक वॉल्यूम है। ठीक है, तो 30 आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और सिर्फ 30 तक वॉल्यूम है यही बात नहीं है। और इसके साथ आता है इसका अलग अलग फंक्शंस, हम अभी दिखाएंगे। पहले हम सोर्स को दबा के देखेंगे क्या क्या सोर्स है। ये डिजिटल वीडियो हो गया, ये है यूएसबी ड्राइव। ठीक है, ये है एफएम रेडियो। एफएम रेडियो में आप चैनल ऐसे चेंज कर सकते हैं दबा के, ये ठीक है, ऐसे ऐसे करके आप चैनल चेंज कर सकते हैं। तो इसमें आप अगर चाहो तो गाना भी बजा सकते हो। अच्छा, तो एफएम के बारे में तो आप जान लिए दोस्तों, ये चैनल है, चैनल को आपको सेव करने होगा। 40 चैनल इसमें आप सॉरी 40 चैनल 44 चैनल आप इसमें सेव कर सकते हैं। ये आप ट्यूनिंग प्लस माइनस कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था एफएम का, ये एफएम का खासियत। और हम जाएंगे अभी दूसरे सोर्स में, ये ऑक्स सोर्स। ऑक्स मतलब अगर आप मोबाइल से गाना बजाना चाहते हैं और केबल के ज़रिए बजाना चाहते हैं तो वो स्टीरियो 3.5 mm टू RCA केबल एक लगाने होगा, उसमें पीछे ऑक्स का अलग सा पोर्ट है, तो उसके ज़रिए आप ऑक्स में गाना बजा सकते हो, स्टीरियो कोई भी सोर्स से। इसके आगे है ब्लूटूथ, ये ब्लूटूथ को आपको पेयर करने होगा। पेयर करना कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, SPA इसका जो मॉडल नंबर है 8000B ऐसा करके वो आएगा, डिवाइस पेयर करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे मोबाइल से आप या फिर जो भी ब्लूटूथ डिवाइस से आप गाना चला रहे हो तो वो गाना वहाँ पे बजेगा। लेकिन एक बात ध्यान में रहे दोस्तों, ब्लूटूथ का लो लेवल 911 थोड़ा मतलब सिग्नल का जोर थोड़ा कम होता है, तो इसलिए आपको ऑप्टिमम साउंड नहीं मिलेगा। ऐसा लग सकता है कि ये अंडर पावर्ड 5.1 सिस्टम है, लेकिन ये एक्चुअली बहुत ही पावरफुल साउंड सिस्टम है। तो वो पावर एक्चुअली यूटिलाइज करने के लिए आपको केबल की ज़रूरत पड़ेगी, 3 RCA टू स्टीरियो 3.5 mm, जो कि कंप्यूटर के साउंड कार्ड के साथ आपको लगाना होगा, उसी में आपको ऑप्टिमम साउंड मिलेगा। तो दोस्तों ये था इसका इनपुट्स, इनपुट हम देख लिए, अभी हम देखेंगे इनपुट हम देख लिए। ये है प्रो लॉजिक, आप कोई गाना बजा रहे हो वो अगर 5.1 नहीं है और 5.1 सोर्स से आप डीवी में गाना बजा रहे हो,
प्रोलोजिक दबाने से उस स्टीरियो सोर्स को, कोई भी स्टीरियो सोर्स को 5.1 में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब सारा साउंड में बेसिकली कन्वर्ट करता है। इफेक्टिव 5.1 आपको तभी मिलेगा जब आपका DTS रिकॉर्डिंग या डॉल्बी डिजिटल रिकॉर्डिंग के साथ वो गाना आप चलाएंगे, मतलब सोर्स वैसा रिकॉर्डिंग किया है तभी तो जाके वो स्पेशल इफेक्ट्स ऑप्टिमम लेवल में मिलेगा, वरना ये सराउंड कर देगा। अच्छा, इसके बाद आता है ये मेमोरी। मेमोरी मतलब मेमोरी कार्ड देने से, ये दबाने से आपका मेमोरी का डिटेल्स आपको दिखाई देगा। ये तो रेडियो का ट्यूनिंग का बटन हम दिखा दिए। तो दोस्तों यही था इसका फंक्शन। तो दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे भी ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून टू माई चैनल। टिल देन टाटा, बाय बाय, हैव अ गुड डे।